दोस्तों टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में ड्रामे खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। नील भट्ट और आयशा सिंह के इस सीरियल में हर्षद अरोड़ा काफी पहले एंट्री ले चुके हैं और अब कहानी सई विराट और सत्या की जिंदगी पर घूम रही है। सीरियल के बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि सई विराट और सत्या की जिंदगी ग्रेनेड ब्लास्ट में बच जाती है और इसके बाद सत्या सई से अपने प्यार का इजहार करने की प्लानिंग करता है। इसके लिए वह अपनी बहन की मदद भी लेता है, लेकिन कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अपकमिंग एपिसोड में सई की एक और गलती से सत्या का दिल टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अंबा के घर में वट सावित्री की पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इस बीच सत्या अपनी पत्नी सई के लिए साड़ी गिफ्ट में लाता है, जिसे पहले तो सई लेने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी इस गिफ्ट को वो ले लेती है। सत्या उसे कहता है कि वह इस साड़ी को वट सावित्री की पूजा पर पहनेगी और सई ऐसा भी करती है। और दोस्तों वो सई को एक पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी तोहफे में दे देता है। लेकिन दोस्तों वही सीरियल में हमें देखने के लिए मिलेगा कि चवान निवास में विनायक विराट से जिद करता है कि उसे सई के घर ले जाना है, तो अपनी माँ को साड़ी देना चाहता है। इसके बाद विराट और विनायक सई के घर पहुँचते हैं। यहाँ पर वीनू अपनी माँ को एक साड़ी गिफ्ट कर देता है और इसे पहनने के लिए कहता है। इसके बाद जब वह जाता है तो सई टेंशन में आ जाती है कि आखिर मैं किसकी साड़ी पहनूं, सत्या की या फिर वीनू। भाई दोस्तों हमें गुम है किसी के प्यार में आगे देखने को मिलेगा कि सई विनायक के जाने के बाद पहले अपनी फोटो क्लिक करती है, जिसमें वह सत्या की लाई हुई साड़ी पहने हुए होती है। इसके बाद वह विनायक और विराट की लाई हुई साड़ी पहन लेती है। सई सोचती है कि सत्या उसके मन की बात समझ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वहीं अब कहानी में खूब हंगामा होने वाला है। सत्या की माँ यानी कि अंबा जब सई को दूसरी साड़ी में देखेगी तो उसे खूब सुनाएगी और इसी गर्मा गर्मी के माहौल में सई सोच में पड़ जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी नई नई जानकारी के लिए द टॉलीवुड लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।